Well guys, let me tell you that this bike is so much fun in the city. Because of the torque, you will enjoy this bike like anything. Clutch bhi bahut light hai, jiske wajah se aapko utna zyada strain nahi hota hai bumper to bumper traffic mein. Matlab aap dekh sakte ho agar, to ye ek ungli mein main isko operate kar sakta hu. I mean, it is that light. Well, sare ke sare bike jo hai aap ek ungli mein kar sakte ho. Kisi mein aapko bahut zyada stress aayega haathon pe. To isme nahi aata hai, bahut easy hai chalana isko. एंड गियर शिफ्टिंग जो है बहुत ही स्मूथ है, जिसके वजह से आपको इरिटेशंस भी नहीं आता है. जैसे कोई भी गियर पे आप जाओ, फर्स्ट गियर, न्यूट्रल, सेकंड गियर, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी. इफ यू कैन पॉइंट आउट, अगर आप ये टैंक पे देख सकते हो, गियर शिफ्टिंग देखो, बहुत इजीली शिफ्ट हो जाता है. और ऐसे देखो, कट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इजीली आप चला सकते हो ऐसे. क्या कर रहा है लड़का? तो ऐसे ट्रैफिक में आपको फिल्टर करके जाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बहुत ही इजी है. थोड़ी सी हैंडल बार जो है थोड़ी सी वाइड है और मिरर्स भी एक्स्ट्रा वाइड है, तो आपको उस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है. बट हाँ, अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि क्या बोलूँ भाई, हम लोग इसको रेगुलर ऑफिस कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हैं, 100% यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये एवरीडे अगर आप लोगों का 30 मिनट से लेके 1 घंटा भी ट्रैफिक में हो ना, तब भी कोई टेंशन नहीं है. इसमें ज़्यादा इंजन हीट नहीं होता है, आई मीन एटलीस्ट आपको तो फील नहीं होता, क्योंकि इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर और जो चासी जैसे कवर करता है इंजन के पार्ट्स को, तो आपको ज़्यादा हीट जो है पैरों तक आता नहीं है. ये बाइक में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रेव कर लोगे, मान लो फर्स्ट गियर पे, तो इमीडिएटली जो व्हील स्पिन हो जाता है इसमें. अगर थोड़ी सी भी मड है या फिर थोड़ा सा सॉइल है तो व्हील स्पिन हो जाएगा. बहुत इजी है यार ऐसे चलाना उसको, इसको बहुत इजी है. और बेंगलोर की ट्रैफिक आप तो इमेजिन कर सकते हो, ऐसे ही रहता है जनरली. अगर आप ऑफिस आवर्स ये सब में जाते हो तो ऐसे ही ट्रैफिक जनरली रहता है. सो मेरी जो हाइट है वो 5.4 है, एंड 5.4 पे मैं थोड़ा सा इजीली चला पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे अभी जो है आदत हो चुका है थोड़ी टॉल बाइक्स राइड करने में. अगर आप पहली बार चला रहे हो तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगा, एंड ऑल्सो आपको थोड़ा सा वेट पता चलेगा. लेकिन ऐसा है कि, और जनरली क्या है, डोमिनर की जो है फ्रंट एंड थोड़ी सी हैवी है कंपेयर टू, जैसा अगर मान लो हम इंटरसेप्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि इंटरसेप्टर का जो है वेट थोड़ी सी ज़्यादा बैक, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा जो है पीछे के हिस्से पर है, आगे पर उतना नहीं है. डोमिनर पर थोड़ा सा तो आपको पता चलता है. सुबह सुबह ऐसे ट्रैफिक में चलाना सच एन इरिटेटिंग जॉब, इसीलिए मैं क्या यही टाइम पे कभी भी नहीं निकलता हूँ. जस्ट दैट के हैव टू ड्रॉप द बाइक एट खिवराज मोटर्स, देयरफॉर आई स्टार्टेड. देखो, ट्रैफिक के मामले में अगर बताओगे तो डोमिनर 2019 हो या फिर प्रीवियस वर्सन हो, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आपको सेम फीलिंग होता है, वैसे कुछ पावर का भी उतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता है. बिकॉज इसकी पावर जो है आपको फील होगा जब आप थोड़ी सी तेज इसको चलाओगे. इनिशियल्स में मुझे कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलता है, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है दोनों में. सो वही है, फाइनली अगर आपका क्वेश्चन ये है कि बोलो भाई क्या मैं इसे रेगुलरली अपना ऑफिस राइड पे जा सकता हूँ, एंड स्पेशली फॉर सिटीज़ लाइक बैंगलोर ट्रैफिक में यूज़ कर सकता हूँ, जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हो. देखो, अब जैसे मैं करीब ऐसे ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में करीब 15-20 मिनट हो गया मैं चला रहा हूँ. अब जो है मैं सुन सकता हूँ कि इसकी जो रेडिएटर की जो फ़ैन है वो मतलब घूम रहा है और हीट थोड़ा थोड़ा जनरेट हो रहा है. बिकॉज ऐसे ट्रैफिक में आप इमेजिन कर सकते हो कि सारे के सारे बाइक्स जो है गर्म तो हो जाएगा ऑब्वियसली. आई होप आपको एक सिटी राइड की एक रफ आइडिया आ गया होगा कि कैसा डोमिनर फील हो रहा है. कभी कभी ये बाइक में ना, जैसे अगर आप गियर पे हो तो स्टार्ट नहीं होता है, चर्र चर्र होता है 2-3 बार, उसके बाद स्टार्ट होता है. आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉब्लम सारे के सारे नए डोमिनर में है या फिर मे बी इस बाइक पे हो सकता है, बिकॉज इट्स अ टेस्ट राइड बाइक, सो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर. ये मुझे फील हो रहा है क्योंकि फर्स्ट गियर पे डालता हूँ तो स्टार्ट नहीं होता है. इवन दिस हैपेंड विद अनिश, कल मैंने अनिश को बोला कि ये बाइक चलाने के लिए, उसके बाइक मैं चला रहा था, तो ही वाज अनेबल टू स्टार्ट ऑन फर्स्ट गियर. सो या फिर हो सकता है कि थोड़ी सी और एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, मे बी उसके वजह से हो सकता है. थोड़ा सा फ्री रास्ता मिलने से बस खींच लो, फिर वापस आ जाओ ट्रैफिक में. यही है सीन्स. स्लो स्लो स्लो. अरे ये कैसा नंबर है? 03 CC 1B 0036.
कुछ अजीब सा नंबर है। द डोमिनार इज बेसिकली ए बाइक ऑफ दिस टाइप। जब खुला रास्ता है तो खींच लो, जब बंद रास्ता है तो धीरे धीरे चलो, और खींचने से इमिडिएटली 100, खींचते ही 100। पेट्रोल भरना है इसके लिए, ये एरर वाला सिंबल दिखा रहा है, लो फ्यूल लो फ्यूल लो फ्यूल, अभी भर देंगे। नो मैटर, एक चीज तो है, डोमिनार को जितना कॉन्फिडेंटली मैं चलाता हूँ और कोई भी बाइक पे उतना कॉन्फिडेंटली नहीं चला पाऊंगा। भाई लोग, अगर 5.4 आपकी हाइट है, थोड़ी सी आपको दिक्कत डेफिनेटली होगा। और डोमिनार की एक बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि वो टर्निंग रेडियस जो है ना, ये थोड़ी सी कम है इन कम्पेयर, जैसे ये हैंडल यहाँ लॉक हो जाता है, थोड़ी सी कम है इन कम्पेयर टू अदर बाइक्स। और अगर आपके पीछे पिलियन बैठा होगा तो और थोड़ी सी और ज़्यादा दिक्कत है, अगर आपकी हाइट शॉर्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड, 5.5 5.6 एंड अबव बहुत कंफर्टेबल। अच्छा, किसी ने मुझे पूछा कि 6 फीट आदमी को कंफर्ट रहेगा कि नहीं। वेल, कल अनिश जो राइड कर रहा था उसकी हाइट शायद 6.2 या ऐसा कुछ है, एंड ही इज़ राइडिंग द डोमिनार वेरी कंफर्टेबली। उस समय फीडबैक लिया, इट्स वेरी कंफर्टेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच रहे हो क्या बोलूँ भाई, ऐसा लेफ्ट राइट करके चला रहे हो। वैसे आप बैंगलोर आ जाओ, एक दो साल चलाओ ट्रैफिक में, फिर आपको भी यही स्टाइल पसंद आ जाएगा, क्योंकि कोई और चॉइस है ही नहीं। बस लेफ्ट राइट करो, जहाँ से भी गैप मिल रहा है ऐसे ही कट मारो, बस दैट्स ऑल। अच्छा, ये आदमी को परेशान नहीं करेंगे, इस तरफ काट लेंगे और ऐसे हम चले जाएंगे। यस यस यस, ऐसे टाइप राइड्स के लिए बहुत मज़ेदार बाइक है। वैसे ड्यूक जो है इससे मज़ेदार है, आई मीन 390 वाला नहीं, 200, खास करके 200 और 250 इससे मज़ेदार है ट्रैफिक में, क्योंकि लाइट वेट है। ये देखो लल्लू लोग इस तरफ आ रहे हैं, देखो रॉन्ग साइड पे। देखो अभी तक मुझे कोई भी स्ट्रेन नहीं आया, ना हाथों में पता चलता है उतना ज़्यादा, या फिर मेंटली, चलो मेंटली तो अलग बात है, वो बाइक के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो भी हो, अगर बाइक में पुलिंग पावर अच्छा हो ना तो ऐसे ही समथिंग लाइक दिस। यस यस, ऐसे ही आप बेसिकली एंजॉय करते हो। बस कार की शीशे को मत ठोकना, बहुत इरिटेटिंग सा फील होए, मुझे भी पता है, मैं जब कार चलाता हूँ कोई मेरे मिरर को ठोक करके जाता है ना, बहुत इरिटेटिंग होता है, इसलिए मैं सेफ डिस्टेंस ले लेता हूँ। चलो इतना आगे आ गए हम। सो बेसिकली आई एम राइडिंग फ्रॉम वाइट फील्ड टू कस्तूरबा, व्हाट इज दैट, खिवराज मोटर्स, कस्तूरबा नगर, या आई थिंक कस्तूरबा रोड, यस कस्तूरबा रोड टुवर्ड्स एम जी रोड एक्चुअली। तो सही टाइम पे निकला हूँ, ट्रैफिक वाला टाइम पे, ताकि ट्रैफिक का एक्सपीरियंस लूँ और आपको भी बता दूँ कि ट्रैफिक का मतलब क्या होता है। बस व्हील चलना चाहिए, चक्का चलना चाहिए आपका, रोल होते जाओ होते जाओ होते जाओ। 10:36 टाइम है यहाँ पे, टाइम दिखा रहा है, ओडो भी दिखा रहा है, लेकिन उसके लिए इतना एंगल बेंड करना पड़ेगा आपको। ये खींचा मैंने, मैंने अपने लाइफ में सीखा है कि जो अंकल जी रहते हैं उनको थोड़ा सा हॉर्न आपको देना ज़रूरी है। एंड नो ऑफेंस, बट अगर लड़कियां भी कोई चलाती है स्कूटर एंड ऑल, तो मैं थोड़ा सा हॉर्न दे देता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हो चुका है कि लेफ्ट से राइट जो है एक लड़की बेसिकली घुस करके निकल गई, इसलिए मैं थोड़ा सा हॉर्न दे देता हूँ। समझ सकते हो आप लोग, जिसके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा। एक्चुअली लड़कियाँ अच्छी चलाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मिरर नहीं देखते हैं, बस वो ही प्रॉब्लम है, और कुछ भी नहीं। सारे के सारे लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां। ओके, इस बाइक को अगर आप खड़ा होकर चलाते हो सैडल करके, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि और थोड़ा सा हैंडल बार जो है आपको रेज करना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी जो भी मतलब हैंडल बार की पोस्चर है उतना सही नहीं है, मतलब खड़ा होकर चलाने के लिए। एक अगर आप एक और कुछ हैंडल बार रेजर या कुछ लगा देते हो तो मस्त हो जाएगा, बट ठीक है, गाड़ी कंफर्टेबल है खड़ा होकर चलाने के लिए।